हाय माय बेबीज, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड वेरी हैप्पी। वेल बेबीज, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, डेफ एंड डम। डेफ एंड डम। अब डेफ एंड डम की कहानी हम सुनने वाले हैं और यहाँ पर हमको पिक्चर भी बनी हुई है। देखो, ये डेफ है और ये है डम, दैट मीन्स इन्होंने कान पर अपने हाथ रखे, ये सुन नहीं सकते, और इन्होंने मुंह पर अपने हाथ रखे, दैट मीन्स ये बोल नहीं सकते। डेफ एंड डम। तो हमको पिक्चर से ये याद रहेगा कि डेफ किसको कहते हैं और डम किसको कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे स्टार्टर किट पे। हमारे स्टार्टर किट पर भी हमको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन्स मिलेंगी, जैसे कि गिव द राइट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। हर एक ब्लैंक के लिए हमको एक राइट वर्ड देना है, ठीक है? पहला है ही कांट सी। पहला क्या है? ही कांट सी। सी मीन्स देखना, वह देख नहीं सकता। ही इज अ ब्लाइंड या फिर ही इज ब्लाइंड। वो क्या है? ब्लाइंड है, ब्लाइंड जो देख नहीं सकता। देखो, इन्होंने चश्मा भी लगा रखा है काला वाला, राइट? नेक्स्ट इज ही कांट हियर। वह सुन नहीं सकता। ही इज डेफ। अभी हमने देखा ना, ही इज डेफ। ओके, ठीक है, चलो वापस आते हैं। ही कांट स्पीक। अब ये बोल नहीं सकता। अभी हमने ऊपर की पिक्चर में देखा और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? डम। ही कांट स्पीक, दैट मीन्स ही इज डम। ओके, तो हमने ही कांट सी देख लिया, ब्लाइंड, ही कांट हियर देख लिया, डेफ, ही कांट स्पीक देख लिया, डम। नाउ वी हैव ही कांट वॉक वेल। वह अच्छे से चल नहीं सकता। वॉक वेल, वॉक मीन्स चलना, वेल मीन्स अच्छे से। तो ही कांट वॉक वेल, दैट मीन्स वह अच्छे से चल नहीं सकता। ही इज लेम, एल ए एम ई, लेम। ओके, ये हो गया हमारा स्टार्टर किट। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देयर वॉज अ बैगर। देयर वॉज अ बैगर, बैगर मीन्स भिखारी। एक बैगर था या फिर वहां एक भिखारी था। ही हैड अ टॉल बॉडी, उसका शरीर लंबा था। टॉल मीन्स लंबा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो लंबे शरीर का था या फिर वो लंबा था, है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, वन डे, एक दिन। ही टुक, टुक मीन्स लिया। ही टुक, उसने लिया। क्या लिया भाई? अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का एक पीस लिया। कार्डबोर्ड मीन्स आप जानते हैं एक हार्ड वाला पेपर का टुकड़ा होता है, जिससे बहुत सारे लेयर्स के साथ हमारे पास कार्टन्स भी बनते हैं, जिसमें हमारा सामान पैक होके आता है, राइट? तो उसने कार्डबोर्ड लिया। अब क्या हुआ? ही रोट ऑन इट। रोट मीन्स राइट का सेकेंड फॉर्म, रोट। जैसे हमने इसके पहले ही टुक देखा, टुक जो है वो टेक का सेकेंड फॉर्म है, वैसे ही यहाँ पर रोट जो है वो राइट का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। दैट मीन्स उसने लिखा ऑन इट, इस पर, उस पर उसने लिखा। क्या लिखा भाई? डेफ एंड डम। यही हमारे चैप्टर का नाम है, राइट? डेफ एंड डम। और हमारे पास यहाँ पर पिक्चर भी है, राइट? ये एक लंबा वाला भिखारी है, टॉल वाला बैगर है, जिसने डेफ एंड डम करके एक कार्डबोर्ड बना लिया अपना। ही हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट। हंग मीन्स ये हैंग का सेकेंड फॉर्म है। हैंग मीन्स लटकना या लटकाना, और हंग मीन्स लटकाया। ही हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट, उसने इस कार्डबोर्ड को अपनी चेस्ट पर लटका लिया। देखो यहाँ पर कैसे लटकाया है उसने। देन ही सेट डाउन। सेट मीन्स, अब देखो हमको फिर से एक और वर्ड मिला जो सेकेंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है,
सेट है सिट का सेकेंड फॉर्म. सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठ गया, सेट डाउन नीचे बैठ गया. देन ही सेट डाउन, फिर वह नीचे बैठ गया. बाय द साइड ऑफ अ रोड, रोड के साइड में. ही पुट हिज बोल इन फ्रंट ऑफ हिम. ही पुट हिज बोल, बोल मीन्स कटोरा. अच्छा, बहुत से लोग इसको बाउल बोलते हैं. इट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोनंसिएशन, इट इज बोल. ही पुट हिज बोल, पुट मीन्स रखना. यहाँ पर सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे एक्शन वर्ड्स सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में आ रहे हैं. यहाँ पर यह पुट भी एक पास्ट फॉर्म है. पुट का पास्ट फॉर्म पुट ही होता है, पुट पुट पुट. ओके, तो उसने क्या किया, कटोरा रख दिया इन फ्रंट ऑफ हिम. इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, उसके इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने रख दिया. मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड. अप एंड डाउन, अब आप सोच रहे होंगे रोड ऐसे सीढ़ी है क्या जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं. यहाँ पर ऊपर नीचे का नहीं लेंगे अर्थ, अप एंड डाउन का अर्थ यहाँ पर हम ऊपर नीचे नहीं लेंगे. आ रहे थे जा रहे थे ऐसा बोलते हैं, ठीक है. सीढ़ियों पर भी अप डाउन होता है, लेकिन आपने कई बार ही सुना होगा ना कि कोई स्कूल कॉलेज या जॉब के लिए जाता है तो वो वहाँ से अप डाउन करता है. इट मीन्स वो आना जाना करता है, ठीक है. मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड. मैनी मीन्स बहुत सारे लोग उस रोड से आ रहे थे जा रहे थे. देखो वेंट, वेंट भी सेकेंड फॉर्म है गो का, गो वेंट गॉन. सम ऑफ देम टुक पिटी ऑन द बैगर. सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, कुछ सम मीन्स कुछ, उनमें से कुछ टुक, टुक मीन्स अगेन टेक का सेकेंड फॉर्म, लिया. पिटी ऑन द बैगर, पिटी मीन्स तरस, भिखारी पर तरस आ गया. उनमें से कुछ लोगों को भिखारी पर तरस आ गया. दे थ्रू कॉइन्स इंटू हिज बोल. थ्रू थ्रो, थ्रू थ्रोन. थ्रो मीन्स फेंकना, थ्रू मीन्स फेंका. जैसे हम ऐसे करके ऐसे डालते हैं ना सिक्का, कई बारी कई लोग ऐसा करते हैं कि बोल वहाँ पर रखा रहता है भिखारी का और हम ऐसे करके फेंक के डाल देते हैं. दैट इज़ नॉट करेक्ट. हमको अच्छी तरह से उनको हाथ में देना चाहिए, लेकिन इस तरह से थ्रो या थ्रू वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट. अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पहली बात तो हमको बेगर्स को ऐसे कॉइन्स देना भी चाहिए या नहीं. देयर वॉज अनादर बेगर. अनादर मीन्स एक और या दूसरा. वहाँ पर एक और भिखारी था. ही हैड अ फैट बॉडी. उसकी फैट बॉडी थी. फैट मीन्स मोटा. वो कैसा था, मोटा था. ही सॉ द टॉल बेगर. उसने सॉ, अब देखो सॉ आ गया यहाँ पर. ये सी का सेकेंड फॉर्म है या सी का फर्स्ट फॉर्म है. सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा. उसने देखा द टॉल बेगर. टॉल मीन्स लंबा, है ना. तो लंबे वाले भिखारी को उसने देखा. ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो. उसने उसका कार्डबोर्ड भी देखा. ऑल्सो मीन्स भी. ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो. उसने उसका कार्डबोर्ड भी देखा. ही रैन बैक इन टू हिज कॉटेज. ही रैन, रैन रन का सेकेंड फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है. वो दौड़ा बैक टू हिज कॉटेज. कॉटेज के बैक मीन्स हम यहाँ पर पीछे है, लेकिन रैन बैक मीन्स वापस दौड़ा. वो अपने कॉटेज की तरफ या झोपड़ी की तरफ या उसका जो भी रहने की जगह थी वहाँ पर वापस दौड़ा. अब क्या किया उसने. ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. उसने टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म, पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का पीस लिया. ही रोट ऑन इट. राइट का सेकेंड फॉर्म. उसने लिखा उस पर, क्या लिखा, आई एम ब्लाइंड. मैं, आई एम, मैं हूँ ब्लाइंड, मैं हूँ अंधा, या जिसको हम हिंदी में सही तरीके से बोलते हैं कि मैं अंधा हूँ. ओके, अब उसने ये लिख लिया.
अब बताओ उसने ये जब लिखा तो उसने देखा था तभी, यहाँ पर देखो ही सॉ देखा था, ही सॉ हिज कार्डबोर्ड ऑल्सो, उसने ये भी देखा था, ये सब कुछ वो देख रहा है, उसके बाद भी वो क्या लिख रहा है कि मैं ब्लाइंड हूँ। लो भाई अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। ही हंग इट ऑन हिज चेस्ट। हंग, हंग मीन्स लटकाया, अभी हमने पढ़ा था हैंग का सेकेंड फॉर्म। तो ही हंग इट ऑन हिज चेस्ट, उसने इसे अपनी छाती पर लटका लिया। ही केम बैक, केम कम का सेकेंड फॉर्म है, केम मीन्स आया, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया। ही केम बैक, वह वापस आया, यहाँ पर बैक का अर्थ वापस है। एंड सेट, सेट मीन्स बैठा, सिट सेट, तो सेट मीन्स बैठा, वो बैठा नियर, नियर मीन्स पास, द टॉल बैगर, टॉल बैगर के पास बैठ गया। ओके, ही स्टार्टेड शाउटिंग, स्टार्टेड स्टार्ट का पास्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, उसने शुरू किया शाउटिंग, शाउटिंग शुरू की, शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, उसने चिल्लाना शुरू किया। आई एम अ बैगर, मैं एक, सॉरी आई एम अ पुअर बैगर, पुअर मीन्स गरीब, मैं एक गरीब बैगर हूँ या फिर मैं एक गरीब भिखारी हूँ। आई एम लेम, लेम मीन्स अभी हमने स्टार्टर किट में पढ़ा था जो ठीक से चल नहीं सकता। ओके, सो आई एम अ लेम, आई एम लेम, मैं लंगड़ा हूँ या मैं ठीक से चल नहीं सकता हूँ। आई कांट वॉक, देखो यहाँ पर लिखा है मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता। आई एम ब्लाइंड, और क्या है ये, मैं अंधा हूँ, आई कांट सी, मतलब मैं देख नहीं सकता। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खाइए। प्लीज गिव मी अ कॉइन, कृपया, प्लीज मीन्स कृपया, गिव मी मुझ दीजिए, क्या मुझे दीजिए, अ कॉइन एक सिक्का दीजिए, मुझे एक सिक्का दीजिए। गॉड ब्लेस, गॉड विल ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीष देंगे। आपने देखा है ना कभी भिखारियों को कैसे करते हैं वो लोग, मुझसे चलते नहीं बनता है, मैं देख नहीं सकता हूँ, मुझे खाने को नहीं है, मुझे प्लीज़ थोड़े से पैसे दे दो या फिर मुझे कुछ खाना दे दो, ऐसे मांगते हैं ना। तो वैसे ही वो भी ऐसे ही कर रहा था कि मैं एक गरीब भिखारी हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ, मैं तो चल नहीं सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख भी नहीं सकता हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझे प्लीज़ पैसे दे दो या सिक्का दे दो, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, है ना, ऐसे करते हैं ना। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ यंग मैन पास्ड दैट वे, एक यंग मैन मीन्स नव युवक, ठीक है, या युवक जो थोड़े से कम एज का लड़का होता है। एक यंग मैन पास्ड दैट वे, उस रास्ते से, वे मीन्स रास्ता, उस रास्ते से गुजरा। ही टुक आउट अ 2 रुपी कॉइन, टुक आउट मीन्स बाहर निकाला, उसने बाहर निकाला एक 2 रुपए का सिक्का, उसने 2 रुपए का सिक्का बाहर निकाला, ठीक है। अब क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बैगर, वह वॉन्टेड, अब ये वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म है, राइट, ही वॉन्टेड टू गिव इट टू द टॉल बैगर, वह इस सिक्के को, इट मीन्स यह, तो क्या निकाला था उसने, कॉइन निकाला था, तो वह इस सिक्के को टॉल बैगर को देना चाहता था, वॉन्टेड मीन्स चाहता था। द फैट बैगर शाउटेड एट वंस, अब जो फैट वाला था ना, मतलब मोटू वाला भिखारी, वो शाउटेड एट वंस, मतलब एकदम से चिल्लाया ऐसे करके, है ना, कैसे चिल्लाया देखो तो, प्लीज डोंट गिव इट टू हिम, प्लीज उसको ये मत दो, ही इज नॉट डेफ, वो डेफ नहीं है, मीन्स डेफ मीन्स बहरा, वह बहरा नहीं है, ही इज नॉट डम, वह गूंगा भी नहीं है, ही इज अ चीट, चीट मीन्स धोखेबाज, वह एक धोखेबाज है। आई एम अ पुअर ब्लाइंड बैगर, आई एम अ पुअर मीन्स गरीब, ब्लाइंड अंधा,
भिखारी, बेगर मीन्स भिखारी, मैं एक अंधा गरीब भिखारी हूँ, प्लीज गिव दैट कॉइन टू मी, मुझे कृपया वह सिक्का मुझे दे दो। अब क्या हुआ आगे? द टॉल बेगर वॉज वेरी एंग्री। अब जो टॉल बेगर है ना, उसको तो गुस्सा आ गया भैया, वो बहुत गुस्सा हो गया। ही सेड, उसने कहा, सर आई एम नॉट अ चीट, सर मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं, दिस फैट बेगर इज अ चीट, यह जो मोटा भिखारी है ना, ये धोखेबाज है। ही इज नॉट ब्लाइंड, वो अंधा नहीं है, ही कुड सी द कॉइन इन योर हैंड, वो आपके हाथों में ये सिक्का देख सकता है। प्लीज गिव दिस कॉइन टू मी, कृपया यह सिक्का मुझे दीजिए। आई एम अ पुअर बेगर, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। आई एम डेफ एंड डम, और मैं गूंगा और बहरा हूँ, या डेफ मीन्स पहले बहरा, फिर डम मीन्स गूंगा, मैं बहरा और गूंगा हूँ। ये कौन बोल रहा था? ये टॉल वाला भिखारी बोल रहा था कि मैं क्या हूँ, बहरा और गूंगा हूँ। था क्या वो गूंगा? द यंग मैन लाफ्ड, वो जो युवक था वो हंसा। अब यहाँ पर लाफ्ड जो है वो लाफ का सेकेंड फॉर्म है, लाफ मीन्स हंसना और लाफ्ड मीन्स हंसा। ही सेड, उसने कहा, सेड भी सेकेंड फॉर्म ही है, हम इतनी देर से सेकेंड फॉर्म्स पर ध्यान दे रहे हैं। से का सेकेंड फॉर्म सेड है, से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा, उसने कहा, बोथ ऑफ यू आर चीट्स, आप दोनों की दोनों धोखेबाज हो। कैसे धोखेबाज थे बताओ मुझे? अच्छा आप मुझे बाद में बताइएगा, हम ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। ही पुट द कॉइन बैक, उसने वो सिक्का अपने पास वापस रखा, इन टू हिज पॉकेट, उसकी जेब में, एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। ओके, सो यहाँ पर हमारी स्टोरी डेफ एंड डम ख़त्म होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि भाई आप दोनों की दोनों धोखेबाज हो, बताएंगे आप मुझे? चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और साथ ही इसके सारे हार्ड वर्ड्स को लर्न करेंगे, जो मीनिंग आपको बताई है वो भी याद रखेंगे। ओके माय बेबीज, बाय बाय।